वेलकम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11th। हमने वेन डायग्राम पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वेन डायग्राम इलस्ट्रेशन से। यहाँ पर हमने एक कंप्लीमेंट ढूंढना है, ये यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसकी छोटी छोटी सेट्स हैं। ए है 1, 2, 3, 4, और बी है 2, 4, 6, 8, और सी है 3, 4, 5, 6। इसके एलिमेंट्स की तरफ जरा सा गौर से देखें। अब ए कंप्लीमेंट हमें ढूंढना है। हाँ, मैंने क्या वेन डायग्राम में पढ़ाया था, ये यू अगर यूनिवर्सल सेट हम लेंगे, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है अपना, तो इसके बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए कंप्लीमेंट में आते हैं। इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, ये यूनिवर्सल सेट जो है इससे हम ए बाहर कर देंगे, तो बाहर जो वाला पोर्शन बचता है ये ए कंप्लीमेंट वाला है। तो यू माइनस ए, हाँ तो यू कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, माइनस कर दो इसमें ए। ए क्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो वो कितना बचता फिर, ये हटा के 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा ए कंप्लीमेंट आ गया। हाँ, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा पार्ट क्या है, बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट ढूंढना है। सेम वैसे ही यूनिवर्सल में से बी निकालो, बी निकाले 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो बी कंप्लीमेंट में आएंगे। अब इसी के तरीके से तीसरा है ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट इसमें दिया गया है, ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट। अगर ये तीसरा पार्ट है तो ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट हमें ढूंढना है, पहले उसके लिए हमने ए यूनियन सी ढूंढना है। हाँ, ए क्या है हमारा, ए यूनियन सी, ए हमारा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हाँ, और यूनियन इसका करना हमें किसके साथ, सी के साथ। सी क्या है हमारा, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और 6, क्या क्या, 1, 2, 3 रिपीट होता है, 1, 2, 3, 4 भी रिपीट होता है और 5, 6 रिपीट एलिमेंट सेट में नहीं आते। तो ए यूनियन सी हमारा क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट वो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी बाहर निकालना है, जिस तरह से हमने ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल यू माइनस ए, इसी तरह से यहां ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट आएगा यू माइनस ए यूनियन सी। हाँ, यू क्या है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसमें से हम ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये 6 एलिमेंट बाहर निकालो तो यहां पर 7, 8, 9 बचता है, 7, 8, 9, तो ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर आ गया, ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट 7, 8, 9। अब हमारा दूसरा पार्ट है इसी तरह ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, वो भी इसी तरीके से होगा, सेम ए माइनस ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी निकालना है, फिर इसके बाद बी माइनस सी का होल कंप्लीमेंट वो भी आएगा, ए यूनियन माइनस बी यूनियन बी माइनस सी का होल कंप्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 जो है ना, इसके पूरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए। एक पार्ट है इसमें फिफ्थ, वो थोड़ा ट्विस्ट नहीं है एक्चुअली, वो ऐसे है, वो मैंने दिखाया था आपको, ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट वो किसके बराबर होता है, ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट वो ए के बराबर होता है। मैंने पढ़ाया था ना आपको, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ले लो, ये इसके बाहर जितना भी पोर्शन बचता है ना ऊपर में, ये ए के छोड़ के, ये ए कंप्लीमेंट इसका आ गया। अगर इस ए कंप्लीमेंट इसका करेंगे काम, ये इसका कंप्लीमेंट देखेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के इस ए कंप्लीमेंट के बगैर कौन सा एलिमेंट बचता है, वो खुद ए है, इसका मतलब ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर है, वो यूनियन माइनस ए कंप्लीमेंट के बराबर है। सीधी बात है, यानी यूनियन में से ए कंप्लीमेंट ही पूरा निकाल दो तो वो खुद ए है। ए कौन सा सेट है, ए है इसमें 1, 2, 3, 4, तो जाहिर सी बात है 1, 2, 3, 4 आएगा। अच्छा, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी ई एफ जी, ये यूनियन दिया गया है इसमें, और छोटी छोटी सेट्स ए बी सी डी ई एफ जी और ए सी ई जी,
MGH है, इसमें भी इसी तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्स ढूंढने हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनिट बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपको आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जरा 3 पर हम गौर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपको यूनिवर्सल सेट लेना है, एन ये यूनिवर्सल सेट लेगा आप। हाँ तो फिर हमें इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले वाले का, एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन। देखो नेचुरल नंबर अगर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और सो एंड सो आफ्टर इनफिनिटी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? सपोज इट इज ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इसी तरह से दूसरा है अगर odd number natural number में निकालेंगे तो उसका complement क्या आएगा? Even number आएगा, क्योंकि both even and odd constitute the natural numbers। इसी तरह से तीसरा part है prime, उसका composite आएगा, और natural number divisible by 3 and 5, और उसका क्या आएगा? वो natural number जो divisible 3 and 5 के होगे, natural numbers से बाहर निकालेंगे, तो उसका complement आएगा, x side and x side natural number which are not divisible by 3 and 5। तो इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4, 5 जिसमें ये आते हैं, ये भी सेम ही है इसी के जैसे, नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।